ये है चीज़ जो खतरनाक होगी। सर ऊपर एक्चुअली हवाएं थोड़ी ज़्यादा तेज रहती हैं। व्हील इसमें डाल देंगे जिससे मैं ऊपर चला जाऊं और गिरूं भी ना। ये इन्होंने बेसिकली एक व्हील डाल दिया, दिखाता हूँ मैं आपको। ओके ठीक है, मुझे रोक लेता है यहीं पर और मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। यार यहाँ से व्यू कौन रोक सकता है भैया, यहाँ से तो व्यू ही डायरेक्ट है, कोई शीशा तक नहीं है बीच में। ये है चीज़ यार, मज़ेदार। I can go on that glass. Okay. तो भी इस ग्लास पे भी चल के आ गए हैं। रेलिंग में व्हील पड़ा हुआ है वो, जो कि मुझे लॉक रखेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मुझे गिरने नहीं देगा। ये व्हील लगा हुआ है। फेस आईडी हटा यार इस टाइम पे। ये दिखा अभी, ये लगा हुआ है लॉक व्हील से, जो मुझे गिरने से बचाएगा और मैं घूम सकता हूँ यहाँ। और बड़ी मज़ेदार लोकेशन, देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। मैं हूँ सबसे बड़ी बिल्डिंग पूरे वियतनाम की, और आप समझ जाओ कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं इसके लिए। और भैया इसके ऊपर खाली ये है, और जो कि बंद टावर है एक, मतलब फॉर द मशीनरी एंड फॉर जस्ट फॉर सिग्नल्स एंड ऑल, उसके लिए है रेस्ट टावर। वहाँ पर कुछ है नहीं है उसके ऊपर। पिछली वाली साइड का आपने व्यू देख ही लिया था, इस वाली साइड का व्यू और देख लो यार। ये 81 मंजिल सबसे ऊंची बिल्डिंग पूरे देश वियतनाम की, बहुत ही गजब की बात है यार। ये हो ची मिन सिटी में है बिल्डिंग, और ये दिल्ली और मुंबई जैसा फ़र्क है हो ची मिन और हनोई में। बाकी डिटेल मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी एंजॉय करो ये यार व्यू बेहतरीन, रिवर के साथ में बहुत ही गजब का व्यू। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं, अगर मैं दिखा सकूं आपको तो कोई बिल्डिंग। वैसे हमारे इसमें जूम इतना है नहीं है, ऑस्मोस में इतना जूम नहीं होता है, बट ये बिल्डिंग यार बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 30-30 फ्लोर वाली बिल्डिंग्स है सारी। सब यहाँ से कितनी बोनी दिखाई दे रही है। और ये हूँ मैं, इन्होंने ये स्ट्रेच पट्टा बांधा हुआ है मेरे, ये जो इस बेल्ट से अटैच्ड है नीचे। मैं फेस आईडी हटा के दिखाता हूँ आपको। ये एक नीचे बेल्ट से अटैच्ड है, और ये बेल्ट जो इन्होंने रेलिंग में बांधी हुई है, ये ताकि अगर मैं डिसबैलेंस हूँ तो नीचे ना गिरूँ सीधा। 81 फ्लोर से अगर नीचे गिरेंगे तो शायद नीचे तक पहुँच भी नहीं पाएंगे, आधे पद्धे पहुँचेंगे टूटे फूटे। तो इसलिए इन्होंने ये सेटअप करा था मेरे लिए, और अब मैं जा रहा हूँ नीचे। नीचे भी यहाँ ग्लास है, लेकिन ग्लास तो ये फ्लोर पर जा रहा है, तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कोई ग्लास में। दिखा देता हूँ, क्योंकि नीचे ऐसा ग्लास है, क्योंकि ये फ्लोर पे मेरे फैमिली है एक। और चलते हैं हम नीचे, गाड़ी में तरफ देख रहा है कि यार पूरे स्वाद लेके आएगा कैसे। तो इस बेल्ट के साथ में ये बेल्ट जो है ये निकल जाएगी नीचे उतर के, और हम हो जाएंगे इससे फ्री। निकल आए हम वापस, रखते हैं अपना गिम्बल एक साइड। थैंक यू। थैंक यू। आ गए हम अंदर फोटो रूम में। ओके उन्होंने मुझे फोटो तैयार कर दी, देखते हैं कैसी बनाई है। एक साइड में बैठ के हम देखेंगे ऐसे। ओके ये उन्होंने एक कार्डबोर्ड से भी लगा के दे दिया मुझे मेरी फ़ोटो, जो कि ठीक है, अच्छी लग रही है।
चीजें रख के मैं आपको आराम से दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये है मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। नीचे उन्होंने क्लिक करी थी वी आर बॉक्स के सामने, जिसे किसी भी बैकग्राउंड पर डाल के आपको दे देते हैं। तो इनिशियली अभी मुझे पता चला है कि इसको कोने कसा रख के दिखा रही उन्होंने, जो कि थोड़े थोड़े निकल गए और अच्छे सेट करना मेरे को मुश्किल लग रहा है वापस। अब इतने में इतना ही मिलेगा, क्या कर सकते हैं। इस क्यू आर कोड को स्कैन करके देख लेंगे, मे बी हम डाउनलोड कर सकें इसे, देख ही लेते हैं। अभी कोई क्यू आर कोड हमारे सामने, इसे स्कैन करके देख लेते हैं। अगर हम इसे डाउनलोड कर सकें तो हमें इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, विच इज़ गुड। अभी हाँ जी, मिल गई है मुझे इसकी सॉफ्ट कॉपी। इस इमेज को मैं सेव कर लूँगा, अभी हमारे कहीं भी काम आ सकती है। ये अच्छी बात लगी बस मुझे, बाकी तो सब बेकार है फ़ोटो के बारे में, बाकी कुछ अच्छा नहीं था इस फोटो के बारे में। सिर्फ अच्छी चीज़ थी ये ही कि मुझे मेरा फ़ोटो ऑनलाइन मिल गया, सॉफ्ट कॉपी मिल गई इसकी। एज यू कैन सी मेरे फ़ोन में आ गई है सॉफ्ट कॉपी। चलो अब चलते हैं आगे, कुछ खाने पीने का देखते हैं, देन चलेंगे नीचे मॉल में। मॉल में और चीज़ें देख लेंगे। मुझे लगता है खाने पीने का यहाँ से बेटर नीचे मुझे मॉल में ही मिल जाएगा, क्योंकि ये स्काई डेक है तो इन चीज़ों का सिस्टम अलग होंगे। और हम अभी वी आर बॉक्स यूज़ करना बाकी है, वी आर वर्चुअल रियलिटी यूज़ करनी है, इसके बाद हम जाएंगे नीचे। बिल्कुल सेल्फी है, कर सकता हूँ आराम से, नहीं करनी मुझे, बोरिंग सा। दिस इज़ वी आर। हेलो गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे वी आर एक्सपीरियंस जो हमने किया था वियतनाम हो ची मिन्ह सिटी की लैंडमार्क 81 बिल्डिंग में। ये वियतनाम की हो ची मिन्ह सिटी पूरे वियतनाम कंट्री की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इसके अंदर ये वी आर एक्सपीरियंस हमें कैसा लगा, हमने कैसे क्या कौन सी राइड ली, इसका एक्जैक्टली वीडियो मैंने नीचे अटैच कर दिया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और कैसा कैसा एक्सपीरियंस है इसके वीडियो के बारे में बताएंगे आपको, तब तक बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं नीचे मॉल में, कुछ खाना पीना खाएंगे यार, बाकी कोई डिलीवरी नहीं लगती थी। ओके थैंक यू, ठीक ठाक एक्सपीरियंस था। वीआर वाला बढ़िया था यार, और उस वीआर वाले में भी स्पेसिफिकली पैराशूट वाला, पैराग्लाइडिंग वाला सबसे परफेक्ट सीन था। अगेन वी आर गोइंग डाउन और कितने देर में पहुँचते हैं।